अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन दो प्याज़ा बनाने की रेसिपी। और आप देख सकते हैं ये मटन दो प्याज़ा कितना अच्छा बना है और बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तंदूरी रोटी के साथ तो इसका जायका लाजवाब लगता है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। आधा किलो प्याज को मैंने इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर ली हूँ और उसी आधा किलो प्याज में से मैंने दो प्याज जो है छोटी साइज़ की वो अलग कर ली थी और प्याज को इस तरीके से कट करके उसकी जो लेयर्स थी वो लेयर्स को इस तरीके से अलग अलग कर लिया। इसको कैसे यूज़ करेंगे वो अभी आपको आगे बताऊँगी। और मिर्ची लिया है मैंने, 10 से 12 मिर्ची लेंगे, बीच से उसके अंदर कट लगा लेंगे। और यहाँ पर जो है कड़ी पत्ता लिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो गोश्त है वो तकरीबन 1.25 किलो गोश्त है। अच्छे से वॉश कर लेंगे गोश्त, उसके बाद गोश्त लेंगे और इसके अंदर हम लोग हसबे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। और यहाँ पर मैं 200 ग्राम दही डाल रही हूँ। दही जो है वो नॉर्मल वाला दही है, खट्टा दही नहीं है। और इसके अंदर मिर्ची और जो कड़ी पत्ता हमने लिए थे वो इसके अंदर डाल देंगे और जो प्याज हमने कट करके रखे थे वो इसी मैरिनेट करने के टाइम पे ही डाल देंगे। इससे जो है ये प्याज कुछ लोग बाद में बघार के टाइम पे डालते हैं, वो कच्ची कच्ची सी रह जाती है, तो मैरिनेशन में ही मिला दीजिए। और देखिए इसके अंदर मैंने 1 चम्मच धनिया का पाउडर डाली हूँ और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाली हूँ। कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर मैंने इसके अंदर डाली थी। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि गोश्त के साथ सारे मसाले अच्छे से लग जाएं। और जो है इसको 1 घंटे के लिए हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लिए हूँ मैंने जो हम दो प्याज़ा में इस्तेमाल करने वाले हैं। ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, दालचीनी की लकड़ी है, बादियान का फूल है। सारे ये खड़े मसाले जो है हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो है मैं रखना भूल गई थी, बाद में मैंने रखी, यहाँ पर तेज़पत्ता जो है हम लोग डाल लेंगे। कुकर के अंदर तेल गरम करेंगे और इसके अंदर सारे खड़े मसाले 1 मिनट तक का फास्ट फ्लेम पे पकने देंगे। तेल जो है बहुत ज़्यादा मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, थोड़ा ही तेल लिया है मैंने, क्योंकि जो हम लोग मटन यूज़ करें तो वो बकरे के गोश्त के अंदर क्या है, बाद में भी थोड़ा सा जो उसका ऑयल रहता है वो रिलीज़ होता है। इसके लिए जब हम लोग को पहले से बैलेंस करके चलना है, तेल स्टार्टिंग में कम डालेंगे क्योंकि उसमें से गोश्त में से भी रिलीज़ होगा तो वो बराबर हो जाएगा। तेल गर्म होने के बाद मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी थी और प्याज को तकरीबन हम लोग 10 से 12 मिनट तक का जो है फास्ट फ्लेम पे पकाएंगे। तो और बीच बीच में जो है चम्मच से चलाते भी रहिए ताकि ये तेल के साथ पकड़ के नीचे की साइड से जल ना जाए। और देखिए 10 से 12 मिनट हो गया था, प्याज का कलर चेंज हो गया था। अब ये जो मैरिनेट किया हुआ जो गोश्त था उसको इस तरीके से चम्मच से एक बार मिक्स करके फिर हम लोग ये जो प्याज लाल हो गई थी, इस कलर उसका बदल गया था, इसके अंदर हम लोग ये मैरिनेटेड मटन जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। बर्तन में थोड़ा सा लगा हुआ था तो पानी डाल के मैंने उसमें से उसको भी साफ़ कर ली हूँ और वो पानी भी इसके अंदर डाल दिया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो गोश्त है इसको हम लोग को भूनने का है, तकरीबन 8 से 10 मिनट तक का अच्छे से हम लोग इसको भून लेंगे। और भूनने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 3 से 4 चम्मच, मतलब बड़े चम्मच इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे हम लोग। अदरक और लहसुन जो है इसके अंदर डालने के बाद इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। और इसमें जाएगा टमाटर, 2 टमाटर को बीच उसका बीज निकाल लेंगे और इस तरीके से छोटा छोटा कट करके जो है हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। टमाटर जो है देखिए मैंने डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग तकरीबन 5 से 7 मिनट तक का इसको अच्छे से भूनेंगे। और देखिए यहाँ पर मैं जो है मसाला डाल रही हूँ, यहाँ पर 2 बड़े चम्मच धनिया का पाउडर लिया है और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है और यहाँ पे 1 चम्मच मटन मसाला है, एवरेज का मटन मसाला है, और हल्दी का पाउडर लिया है और घर का जो होममेड गरम मसाला है वो सिर्फ 1/2 छोटा चम्मच लिया है और 1 छोटा चम्मच तीखा लाल मिर्ची का पाउडर लिया है। पहले भी मिर्ची डाले थे इसके लिए यहाँ पर मिर्ची हमको एहतियात से डालना है। जितना तीखा आपके घर में लोग पसंद करते हैं उसके मुताबिक ही आप इसके अंदर डालिए। और ये जो एवरेज का मटन मसाला मैंने लिया है, इसका टेस्ट जो है ना ये दो प्याज़ा में बहुत ज़बरदस्त लगता है, इसके लिए मैं इसके अंदर इसको ज़रूर डालती हूँ।
सारे पाउडर वाले मसाले जो थे हम लोग गोश्त के अंदर डाल देंगे। अच्छे से सारे मसालों को मिक्स कर लीजिए और जो है इसको हमको भूनना है। देखिए भूनते हुए तकरीबन जो है 10-15 मिनट हो चुके हैं। ऑयल देखिए एकदम अच्छे से रिलीज़ हो चुका है। जब सालन में से ऑयल छूट जाता है तो मतलब जो सालन है मसाला है उसकी भुनाई जो है वो एकदम अच्छे से हो चुकी है। देखिए अब इसके अंदर जो है हमको गोश्त को गलाना भी है, क्योंकि ये मटन है तो इसको गलाना रहता है, क्योंकि अगर चिकन होता तो वो इजीली कुक हो जाता है, लेकिन मटन जो है उसको हमको कुकर के अंदर सीटी देना ही पड़ता है। तो अब उसके लिए जो है पानी की क्वांटिटी मतलब थोड़ी चाहिए, तो गरम पानी इसके अंदर डाल रही हूँ। तकरीबन 1 गिलास पानी गरम कर लिया था मैंने, और वो गरम पानी इसके अंदर डाल देंगे हम लोग। देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि जो दो प्याज़ा होता है ना वो थोड़ा सा थिक साइड पे होता है, ज़्यादा उसमें ग्रेवी नहीं होता है। नमक आप एडजस्ट कर लीजिए, मैंने मैरिनेशन में जो डाली थी वही परफेक्ट था, तो बाद में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर कुकर में तकरीबन 5 से 6 सीटी लगा लिया है और गोश्त अच्छे से गल गया है। आप देख सकते हैं मटन 2 प्याज़ा जो है वो तैयार हो गया है, और जो है ये बहुत टेस्टी बना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और आपका 2 प्याज़ा कैसा बना उसका फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।